हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ग्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आनंद। आज हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। पिछले वीडियो में हमने आग के ऊपर चर्चा की थी, उस आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर काम में लिया जाते हैं, उसी को लेकर आज हम यहां पे आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर एक इस आकार में लोहे के आवरण का बना एक खोल होता है। इसके अंदर एक कंटेनर भी होता है, दो कंटेनर होता है। इसी के अंदर केमिकल रूप में कोई पदार्थ भरा जाता है और उन्हीं पदार्थों में केमिकल रिएक्शन करवा के एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में पदार्थ को काम में लिया जाता है और वो आग बुझाने के काम में ली जाती है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नोजल लगा होता है जिसमें पाइप लगी होती है। उस पाइप के माध्यम से ही आग के ऊपर उस केमिकल को छोड़ा जाता है। उसके बाद ये हैंडल होता है, यहाँ से इसको पकड़ के उठाया जाता है हाथ में। और उसके बाद यहाँ पे एक पिन लगी होती है, जब इसको यूज करते हैं तो इस पिन को बाहर निकालते हैं और जमीन पर मारकर इसके अंदर जो बोतल लगी रहती है उसको फोड़कर केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जो अपने सामने जो पदार्थ बाहर निकलता है पाउडर के रूप में, फोम के रूप में, गैस के रूप में, उसी के माध्यम से आग बुझाई जाती है। तो अपन यहाँ पे आज पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में आकर एक आग बुझाने का उपकरण होता है, यानी इसके नाम से समझ में आता है कि आग बुझाने वाला यंत्र, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे पांच टाइप के आपको दिखाए गए हैं, जिसमें पहला आप पढ़ेंगे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पूरा क्या नाम होता है? क्वेश्चन आता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये दो केमिकल्स की रिएक्शन के माध्यम से ही आग बुझा देता है। इसमें एक तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड रहता है, प्लस इसमें ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, इन दोनों की रिएक्शन करके ही आग बुझाया जा सकता है। और इसका उपयोग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हमेशा बिजली की आग बुझाने में किया जाता है। तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहां होता है? बिजली की आग बुझाने में किया जाता है। उसके बाद आता है अपना फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर यानी फोम के रूप में, झाग के रूप में बाहर आता है और वो आग बुझाने के काम आती है। और इसमें ये इसमें दो कंटेनर लगे होते हैं। कितने कंटेनर? दो कंटेनर। इन दोनों में अलग अलग पदार्थ के केमिकल भरे होते हैं। जो पहला कंटेनर रहता है उसमें एल्यूमिनियम भरा रहता है और दूसरे में सोडा कार्बोनेट का घोल रहता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो बोतल इसको फायर एक्सटिंग्विशर जमीन पर मारा जाता है और इन दोनों बोतलों को आपस में तोड़कर केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और फिर उससे एक झाग उत्पन्न होता है। उस झाग को ही आग के ऊपर डालकर पूरी आग को बुझाया जाता है। और इसका उपयोग जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग तेल और वैक्स यानी मोम की आग बुझाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहां होता है? तेल की आग और मोम की आग बुझाने में ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद अगला तीसरा पढ़ेंगे हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड यानी इसमें CO2 रहता है, तो इसका उपयोग CO2 यानी CO2 के माध्यम से कार्बन पदार्थ, जो मैंने अपने पिछले आग में पढ़ा था कि कार्बन पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, इन सब की आग बुझाने के लिए ही इस सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का उपयोग होता है। तो इस आगे पढ़ेंगे हम पाउडर एक्सटिंग्विशर। पाउडर एक्सटिंग्विशर को ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। कौन सा? ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यानी सूखा, सूखा नाम से सुनना था, ड्राई, ड्राई यानी सूखा केमिकल एक्सटिंग्विशर। उसके आग ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर कहते हैं। किसमें? पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें भी क्या होता है? दो पदार्थों को केमिकल रिएक्शन करवा के ही आग को बुझाया जाता है। इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और एक पाउडर के रूप में बाहर आग बुझाने के लिए फ्लो करवाया जाता है। और इससे हमेशा बिजली की आग ही बुझाई जाती है क्योंकि ये शुष्क रहता है, तो शुष्क रहने से बिजली का शौक नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग बिजली की वायरिंग में ही डालकर आग बुझाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। फिर आते हैं फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट समझते हो कि फायर का मतलब आग, ब्लैंकेट एंड कंबल यानी आग बुझाने वाली कंबल। इसमें क्या होता है? आग बुझाने वाली कंबल में क्या होता है? ये खुद एक कार्बन पदार्थ की बनी रहती है, कार्बन पदार्थ की बनी रहती है। तो जब इसको ऊपर आग के ऊपर कवर किया जाता है, ढका जाता है, तो ये खुद जलने लगती है और उससे CO2 गैस उत्पन्न होती है। उस CO2 गैस के उत्पन्न होने से क्या होगा? आग को ऑक्सीजन का लेवल खत्म कर देगी और आग को बुझा देगी। इस तरह आज हमने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ा, जो चार प्रकार से होता है, सीटीसी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, पाउडर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट। तो ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सीटीसी का उपयोग अपन बिजली की आग में करते हैं,
होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम तेल की आग और वैक्स की आग में करते हैं, और पाउडर जो पाउडर एक्सटिंग्विशर जिसको ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर कहते हैं, इसका उपयोग अपन लोग बिजली की आग में करते हैं, और जो फायर ब्लैंकेट होता है उसको अपन कार्बन पदार्थों को कवर करके आग बुझाने में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे अगर अभी अभी आए हैं तो आप हमारे बेल आइकन के बटन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।